अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू शिक्षक भर्ती 2020। जी हाँ दोस्तों, इस समय की एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला आया है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को मिलेगी प्राथमिकता, सीट खाली रहने पर ही बीएड वालों को मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अभी तक दोस्तों जो बच्चे बीएड कर रहे थे, इस साल नए बच्चों ने एडमिशन लिया हर जगह, उनको लगता था कि यार हमें डीएलएड और बीएड बराबर है। लेकिन दोस्तों अगर डीएलएड को प्राथमिकता देने का मतलब साफ है दोस्तों कि जब डीएलएड के बच्चे आवेदन करेंगे, अगर सीट खाली रहेगी बचेगी तो ही बीएड के बच्चे उसमें बचेंगे, नहीं तो दोस्तों उनको तो कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों अभी और आपको एक बात बताएं कि शिक्षकों के लिए 1 लाख पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। तो दोस्तों दो बड़ी अपडेट है कि मतलब एक तरफ दोस्तों 1 लाख वैकेंसी आने की पूरी संभावना आ रही है, और उसके बाद दोस्तों ऐसा हो रहा है कि बीएड को बच्चों को बाहर भी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को पूरी तरीके से बाहर करने की तैयारी हो चुकी है, अगर हम गलत ना कहे तो। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले पूरी अपडेट क्या है कि शिक्षा विभाग जल्द ही जारी करेगा आदेश। फिलहाल दोस्तों ये बिहार सरकार की बात है, लेकिन दोस्तों डीएलएड का नाम आप यूपी में भी डीएलएड है, बिहार में भी डीएलएड है, पूरे देश में डीएलएड है। तो दोस्तों वहां अगर नियम बदलता है तो यहाँ की भी सरकार अगर चाहे तो नियम बदल सकती है दोस्तों, पूरा मामला देखते हैं। क्योंकि जो आपके डीएलएड के छात्र हैं वो भी काफी बच्चे मतलब इसके लिए दोस्तों परेशान थे। और मिले दोस्तों, देखते हैं पहले पूरी अपडेट क्या है कि 71,000 प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 63,951 शिक्षकों की बहाली में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। डीएलएड की अनुपलब्धता और सीट रिक्त होने की स्थिति में ही बीएड और इसके समकक्ष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि मतलब डीएलएड के बच्चे पहले देखिए आप इस बात को समझ रहे जरा कि क्या लिखा था, सीट रिक्त होने की स्थिति में। अगर मान लेते दोस्तों इन केस कहीं पर 500 वैकेंसी आती है यूपी में और दोस्तों 500 बच्चे डीएलएड के हो जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों जो सीट बचेगी, अब 500 सीट फुल हो गई तो 200 सीट ही नहीं बची। अगर बचती मान लेते 500 में से सिर्फ 490 सीट भर गई, 10 सीटें बची, तो दोस्तों 10 सीटों में बीएड के बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो बीएड को बिल्कुल भी बाहर किया जाने की पूरी तैयारी है। देखिए शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर ली है, ठीक है ना, और जल्द ही जिलों को इस संबंध में निर्देश भेजा जाएगा। अभी तक प्रारंभिक स्कूलों के कुल 90,763 शिक्षकों की बहाली के लिए यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 1 से 5 तक शिक्षक बहाली के लिए डीएलएड को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं। पिछले निर्देश के अनुसार डीएलएड और बीएड दोनों के लिए समान अवसर थे। नया आदेश जिलों को जाने के बाद कक्षा 6 से लेकर 8 तक 26,811 शिक्षकों की बहाली में ही बीएड और इसके समकक्ष डिग्री वालों को मौका मिल पाएगा। पंचायत व अन्य नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नियोजन इकाइयों के माध्यम से मार्च तक बहाली पूरी करने का लक्ष्य दिया है। तो दोस्तों ये कि बड़ी अपडेट निकल कर आई कि बीएड के बच्चों को मतलब एक तरफ से तो हम मौका भी देते हैं, और उसके बाद दोस्तों ये होता है कि बीएड के बच्चे मतलब तभी मौका मिलेगा जब डीएलएड के बच्चे सीट छोड़ेंगे। अब आपको बता दें डीएलएड के छात्र भी पर ईयर 2 लाख बच्चे लगभग आपके 1 साल में डीएलएड के बच्चे पास हो रहे हैं, अगर इनकेस दोस्तों ऐसा यूपी में नियम आता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी संभावना भी है कि आने वाले टाइम में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता है आज के दिन, किसी से पूछेंगे डीएलएड बीटीसी या बीएड, यूपी में इसका नाम बीटीसी भी है दोस्तों, काफी बच्चे बीटीसी के नाम से जानते हैं, या डीएलएड कहिए या बीएड। आप आंख बंद करके कहेंगे नहीं यार बीएड बहुत ही अच्छा है, बीएड ही करना चाहिए आज की डेट में, 2019 में बीएड से अच्छा कुछ नहीं, आप ये कहेंगे 2020 में भी बीएड कहेंगे, तो दोस्तों डीएलएड का क्या होगा? क्या डीएलएड के कॉलेजेस बंद हो जाएंगे? लाखों बच्चे जो कॉलेजेस दोस्तों इतने बड़े बड़े कॉलेजेस खोल रखे हैं प्राइवेट की सीट से, क्या होगा कॉलेज, कितना नुकसान होगा? तो दोस्तों आने वाले समय में ये तो श्योर है कि सरकार एक ठोस कदम जरूर उठाएगी, या तो डीएलएड के बच्चों को भी टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 1 लाख शिक्षक भर्ती की दोस्तों बात की गई, उस पर हम पूरा तरह से डिस्कस करेंगे कि आखिर 1 लाख शिक्षक भर्ती है क्या, कैसे आएगी, तो इस बात को समझ जाइए दोस्तों। और देखिए बिहार सरकार का दोस्तों एक तरह से हम कहेंगे ये बहुत ही बड़ा फैसला है, और प्राइमरी से शिक्षक मतलब प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया गया। अब अगर दोस्तों आप ये भी कहते नहीं यार शिक्षक भर्ती से बीएड तो बाहर हुआ नहीं है, तो दोस्तों आप समझ रहे हैं जब सीट बचेगी तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, और आपको पता है कि सीट बचेगी ही नहीं तो हमें नौकरी मिलेगी कहाँ से, तो वो तो खाली कहने वाली बात है कि बीएड खाली नाम के लिए दोस्तों नहीं है, उसमें रह जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। बिहार सरकार का ये बहुत ही बड़ा फैसला है। अब दोस्तों क्या यूपी सरकार भी ऐसा कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, अगर यूपी सरकार को चाहिए, जी हाँ दोस्तों अगर यूपी सरकार को चाहिए कि यार डीएलएड का कोर्स आगे कंटिन्यू चले, कॉलेजेस बंद ना हो, डीएलएड को बच्चे कंटिन्यू करते रहे, तो दोस्तों यहाँ पर भी ये नियम श्योर लागू किया जाएगा आने वाले टाइम में कि डीएलएड को
अगर प्राइमरी लेवल की कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी कक्षा 1 से लेकर 5 तक, तो वहाँ डीएलएड के बच्चों को प्राथमिकता इनको देनी ही पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों डीएलएड के सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, नहीं तो इस साल अभी देखिए जो एडमिशन होने वाले हैं ना, बीएड में तो भरमार लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, लेकिन डीएलएड में क्या होगा, 60 से 70 हजार सीटें दोस्तों इस बार खाली रह गई। आपको बता दे, इस बार 60 हजार सीटें खाली रही, जब दोस्तों अभी फर्स्ट टाइम है, तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों क्या होगा, कोई नहीं बचने वाली सीट, मतलब कोई एडमिशन ही नहीं लगेगा, सिर्फ डायरेक्ट सीट दोस्तों फुल हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, शिक्षकों के 1 लाख पदों पर भर्ती एक रास्ता हुआ साफ, नई भर्ती आयोग के अस्तित्व में आने के बाद तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में होगी यह भर्तियां। तो दोस्तों उसकी पूरी अपडेट्स देखेंगे। देखिए, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो भी दोस्तों अपडेट्स हों वो आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे कि दोस्तों अगर सरकार पर ऐसा कोई दबाव बनता है तो आपको पहले पता चले कि क्या सरकार ऐसा कोई स्टेप यहाँ उठा सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा स्टेप आता है तो इसमें डीएलएड के बच्चों का बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा और बीएड के बच्चों का नुकसान भी होगा। नुकसान दोस्तों इसलिए क्योंकि काफी बच्चों ने बीएड में एडमिशन इसलिए लिया था कि उनको डीएलएड की ही नौकरी, मतलब जो आपकी प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती है, जो सबसे आसान तरीके से नौकरी मिल सकती है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मौका तो आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों जब सीट खाली रहेंगी तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, ये भी तो समझना है। तो चलिए दोस्तों पहले वैकेंसी को देखते हैं, जो नई आई उसको देखते हैं। क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग ने तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आयोग के गठन के इंतजार में नए विज्ञापन अटके हुए थे और पुरानी भर्तियों को तेजी से पूरा किया जा रहा था। हालांकि नए आयोग को अस्तित्व में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पुनः स्थापित एवं पारित कराया जाएगा और इसके बाद अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अशासकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति करता है। इन स्कूलों में टीजीटी और प्रवक्ता के तकरीबन 40 हजार पद रिक्त पड़े हैं। पहले इस बात को समझिए, जो 40 हजार पद की दोस्तों बात हो रही है, 40 हजार, तो इसमें दोस्तों डीएलएड के बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड के बच्चों को मौका मिलेगा। अगर आपने बीएड कर रखा है तो ही दोस्तों 40 हजार पदों पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, डीएलएड क्या है तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बीएड के बच्चे बाजी मारते हैं, ठीक है। और अभ्यर्थी लंबे समय से नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आंदोलनरत हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे धरना कर रहे हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, अब विज्ञापन का इंतजार है। हालांकि चयन बोर्ड पुरानी भर्तियों को पूरा करने वाला है। पुरानी भर्तियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होने जा रही है और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उधर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 50 हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। उम्मीद है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, होगा कि आपका जो बच्चे बीएड कर रखे हैं, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको फायदा भी मिलेगा। बीएड के स्टूडेंट 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपकी जो 60 हजार सीटें बचेंगी तो ही दोस्तों आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको 60 हजार पदों में दोस्तों क्या होगा, अगर आपको प्रायोरिटी मिलती है या प्राथमिकता मिल जाए तो आप बीएड से आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों सरकार कुछ भी कर सकती है, आपको बता दें, क्योंकि सरकार के पास पूरा पावर है। सरकार चाहे तो नियम में बदलाव हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये एनसीटी का भले रूल था कि बीएड को एंट्री मिल गई है, लेकिन दोस्तों अगर बिहार सरकार कर सकती है तो आपकी यूपी सरकार भी ऐसा स्टेप उठा सकती है। किस लिए उठा सकती है इसको समझिए, कि डीएलएड को बचाने के लिए। नहीं तो दोस्तों डीएलएड का भविष्य ही अधर में हो जाएगा, डीएलएड कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि डीएलएड के बच्चों को हर जगह मौका नहीं मिलता। आपको बता दें, अभी आपकी नई वैकेंसी आई, आपको पता होगा, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या खंड शिक्षा अधिकारी। इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बीएड के बच्चों को मौका मिला। तो दोस्तों आप एक तरह से समझ रहे होंगे कि बीएड के बच्चों को कहीं फायदा मिल रहा है, कहीं नुकसान होगा। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में बच्चे भी सोचेंगे कि हमें करना क्या है, डीएलएड करना है कि बीएड करना है। तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती का आपके इंतजार में है, तो बस थोड़ा सा और इंतजार बचा है और बहुत ही जल्दी आपके लिए बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग अब बिल्कुल परेशान मत होइए, बस कुछ ही और दिन का इंतजार। बीएड के बच्चों के लिए भी बड़ी शिक्षक भर्ती आएगी और डीएलएड के बच्चों के लिए भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और दोस्तों अभी तक यूपी सरकार का ये मतलब रुख साफ नहीं हुआ है दोस्तों, कि क्या होगा, कि क्या यहाँ पर डीएलएड के बच्चों को वरीयता दी जाएगी या प्राथमिकता मिलेगी, उसके लिए दोस्तों हम आपको अपडेट कर देंगे अगली वीडियो के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो दोस्तों जैसे कोई अपडेट निकल कर आएगी हम आपको अपडेट करेंगे कि आने वाले टाइम में नए शिक्षक भर्ती में दोस्तों क्या होगा, डीएलएड या बीएड।
ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट रहेगी, और देखते हैं यहाँ पर जो ये बड़ी शिक्षक भर्ती दोस्तों आपके सामने आएगी, लगभग 1 लाख शिक्षक भर्ती, इसमें क्या होगा। तो उसमें देखिए आधी शिक्षक भर्ती तो आपके बीएड के लिए है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है नहीं। और दोस्तों जो बाकी की शिक्षक भर्ती बचेगी उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, जो आपके लिए आएगी प्रसिद्धि स्कूलों में, मतलब प्राइमरी लेवल पर, उसके लिए दोस्तों हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी जो भी नई अपडेट्स निकल कर आएगी हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी यूपी में ऐसा रूल लागू नहीं हुआ है, काफी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर क्या सच में बीएड बाहर हो गया। तो दोस्तों बीएड को बाहर किया तो गया, एक तरह से कहा जाए तो दोस्तों बिल्कुल बाहर है, क्योंकि दोस्तों प्राथमिकता का मतलब यही कि अगर सीट बचेगी तभी दोस्तों नौकरी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं।